हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्स केमिस्ट्री। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट वीडियो है। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। हम ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं थ्रू चेग। ठीक है, एक वेबसाइट है चेग, और ये ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं, हम वो सब इसमें डिटेल में बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। और मैं आपको पेमेंट का प्रूफ भी दूंगी कि ये ना लगे कि फेक है। ठीक है, कि मेरी कितनी पेमेंट आई है, आप कितना कमा सकते हो, और आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट में। देखो, कई बार हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ना वीक नहीं होती, और हमें अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी होती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी। मतलब थोड़े उनकी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, वो पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से अर्निंग्स भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अपने ही सब्जेक्ट के थ्रू अर्निंग होएगी। जिस सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इसमें काम करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं चेक पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये देखो, सबसे पहले आप गूगल पे जाके लिखना चेग एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। ये देखो, मैंने लिख रखा है चेग एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। जब आप गूगल पे जाके ऐसा लिखोगे तो ये सारी ऑप्शन आएगी। तो आपको सबसे पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन चेग इंडिया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा एक पेज। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, अपनी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट। आपको उनके बारे में कैसे पता चला, आपने आपको डिस्क्राइब करना है, और बाकी सब जो भी पूछ रखा है आपको वो सब फिल करना है यहाँ पे। जब आप ये सब फिल कर दोगे ना, उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर देखो, मैं तो केमिस्ट्री फील्ड से हूँ, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है केमिस्ट्री से, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेस्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री। अगर आपने फिजिक्स से करी है तो आप फिजिक्स के रिगार्डिंग टेस्ट दोगे, मैथ्स से कर रखी है तो मैथ्स के रिगार्डिंग टेस्ट दोगे। मैंने केमिस्ट्री से कर रखी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टेस्ट देना पड़ेगा, और आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और बहुत बेसिक टेस्ट होता है, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं आती है, उसमें बेसिक से ही चीज़ें आती हैं, आप वो इजिली क्रैक कर सकते हो वो टेस्ट। जब आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे तो आपके पास एक मेल आएगा कि आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, और आपको एक और टेस्ट क्वालिफाई करना है उसके बाद। वो होगा टेस्ट रिलेटेड टू चेक गाइडलाइंस। वो आपको ना एक PDF सेंड करेंगे जिसमें उन्होंने लिख रखा होगा कि चेक के बारे में ही होगा, उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन की चेक क्या है, आपको कैसे आंसर करने हैं, आपको कैसे अपलोड करने हैं क्वेश्चंस, और उन्हीं से रिलेटेड फिर आपको टेस्ट देना। और उसमें भी आपको कुछ 100 में से आई थिंक 70% वाला क्वालिफाई करता है, ये मेरे को अच्छे से याद नहीं है। अब उसको भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जब आप ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो आपके पास एक मेल आएगा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जब आप तो उसमें अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हैं स्टूडेंट ID कार्ड, मार्कशीट, ये मैंने मार्कशीट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, मार्कशीट, स्टूडेंट ID कार्ड, मार्कशीट हमें चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रखी है तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन तक की चाहिए, मतलब जितनी आपने स्टडीज़ कर रखी हैं उतनी। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपके ही नाम से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने बैंक अकाउंट अपने मम्मी या पापा के नाम से दे दिया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपके ही नाम से होना चाहिए। और बाय चांस आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप रजिस्टर तो कर सकते हो, बट कुछ टाइम के बाद वो आपको पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हो ना, तो जो पेमेंट है ना उसका 20%, अगर पैन कार्ड है मान लो नहीं है आपके पास, तो जो पेमेंट है उसका 20% कटता है, और अगर आपने पैन कार्ड अपलोड कर रखा तो 10% कटेगा। ठीक है, तो पैन कार्ड अपलोड करना इम्पॉर्टेंट ही है, वैसे तो आपका 10% TDS कटता है अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हो तो। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसा मेल आएगा, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द डॉक्यूमेंट्स यू अपलोडेड हैव बीन अप्रूव्ड। मतलब वो अप्रूव कर लिया उन्होंने, अब नेक्स्ट डिटेल्स वो हमें जो भी हैं, मतलब हम कब से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे विद इन 3 working days। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, जब वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ सही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके पास मेल आएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, वो इसमें वो आपको एक ऐसा लिंक देंगे, स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन और ये सब कुछ, आपको पासवर्ड देंगे, और आपकी जो लॉगिन ID होगी वो सेम होगी जो आपने उस टाइम यूज़ की थी ईमेल ID जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था।
फिर यहाँ पे उन्होंने रेट लिख रखे हैं, एक क्वेश्चन को आपके कितने पैसे मिलते हैं, कि मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड मतलब अपलोड किया हुआ है सब कुछ वहाँ पे, तो मेरे को केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के 97 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है? आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 97 रुपीज़ मिलेंगे। अब ना हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग प्राइस है, 150 भी है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बेसिक मैथ्स का आई गेस 80 है। तो वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि रेट पर क्वेश्चन कितना होगा। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका, मतलब आपको कुछ जो मैंने बताया आपको सिर्फ वैसे वैसे जाना है, फिर आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप लॉग इन करोगे तो ऐसा दिखेगा, जब आप अपना अकाउंट लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, जब आप यहाँ पे स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन पे क्लिक करोगे ना तो क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करना, वरना आप स्किप कर दे देना उसको। और यहाँ पे वो आंसर्स आते हैं जो आपने आज तक अपने लाइफ टाइम में आंसर किए हैं, और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये देखो ये बताता है कि आपने कितने स्किप किए हैं और कितने आपने आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के। और सीएफ स्कोर हमारा क्या होता है, रेटिंग्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके क्वेश्चंस पे रेटिंग भी करते हैं। किसी को आपका आंसर अच्छा लगा तो वो आपको 100% रेटिंग देता है, कुछ डिसलाइक्स भी आते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल सीएफ स्कोर होता है ना, वो उन रेटिंग पे तो डिपेंड करता ही करता है, प्लस हमें चेक भी रेटिंग देता है हमारे आंसर्स पे, उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? और सीएफ स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, 60% से अबव होना चाहिए तो वो अच्छा सीएफ स्कोर है। तो आपको अच्छा सीएफ स्कोर मेंटेन करके रखना पड़ता है, वरना आपका अकाउंट वो बंद कर देंगे। अब ये देखो, ये मेरी पेमेंट की डिटेल्स हैं। मैंने 6,000 रुपीज़ अर्न किए थे, मैंने अप्रोक्स 70 आंसर्स जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, और मुझे हर आंसर का 97 रुपीज़ मिला, तो मेरा टोटल हुआ 6,790। लेकिन फिर मेरा TDS भी कट हुआ 10%, ठीक है? तो TDS 10% कट होके मेरी पेमेंट हो गई 6,111, ओके? और अगर आप मैंने पैन कार्ड अपलोड कर रखा था तो मेरा 10% कटा, अगर मैंने पैन कार्ड नहीं अपलोड कर रखा होता तो मेरा 20% कटता, ठीक है? तो मेरी पेमेंट और भी कम हो जाती, 5,000 की लाइन में आ जाती है पेमेंट, ठीक है? इतना ही अमाउंट और कट जाता। ये इन्होंने लिख रखा है कि नेट अमाउंट पेबल कैसे मेजर करते हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना। और आपको ये नीचे हमारी डिटेल्स होती हैं, नेम, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारी, ठीक है? तो आप ऐसे यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू चेक, और आप मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मतलब चेक्स पे कैसे आंसर करने हैं, क्या मतलब क्या रूल्स फॉलो करने हैं चेक पे आंसर करते वक्त, अगर उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरह से अपलोड आंसर करने हैं और कैसे अपलोड करने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब आप आंसर लिख रहे हो। कभी भी ना इनकम्प्लीट आंसर्स मत सबमिट करना चेक पे, अगर आप इनकम्प्लीट आंसर सबमिट करते हो तो आपकी रेटिंग्स जो है वो कम हो जाती हैं। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे आंसर करना है कैसे नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।